हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरके गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको आज एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 8 सवाल थे, सभी को हल किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल आपसे बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी एक आयताकार भूखंड है जिसका एरिया दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या बोला, क्षेत्र की लंबाई, यानी लंबाई यह है, चौड़ाई यह है, तो चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई अगर पता हो तो यह क्या हो जाएगा, दो गुने से एक अधिक होगा। तो अगर चौड़ाई को हम यक्स मान लें तो लंबाई आपको मिल जाएगा 2x + 1। तो मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यक्स मीटर है, तो लंबाई आप निकालेंगे, लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई के दो गुने से, तो चौड़ाई का दो गुना यक्स का दो गुना कितना हो गया, 2x से एक अधिक है, यह हो गया। अब लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना, 528, लंबाई कितना आया है, 2x + 1, चौड़ाई कितना है, यक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x² + x = 528। 528 को इधर करेंगे यह हो जाएगा 2x² + x - 528, यह बराबर 0। यह तो आपका समीकरण के रूप में निरूपण हो गया। यानी प्रश्न में यह भी बोला है ऊपर कि आप इसको समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब देखें, यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं, 528 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि घटाने पर 1 आ जाए। अब देखें, 528 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × 16, 1 × 2 × 4 = 5, 5 × 10। अब इसका फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो 528 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 × 4, 2 × 6 = 12, और 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटेंगे, 1 × 2 = 6, 2 × 4, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, फिर आप 2 से काटेंगे यह हो गया 3, 2 × 3 = 3 कितना हो गया, 3 × 1 = 3 = 11, 11 से काटेंगे। अब देखेंगे, 11 × 3 = 35 हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी 33 में से 32 घटा देंगे कितना आएगा, यक्स आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, 2x² + 33 - 32 × x - 528 = 0, ये आ गया, यह हो गया 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। यह एक पद हो गया, यहाँ से यह एक पद हो गया। पहले पद से आपको कुछ कामन दिख रहा है, यक्ष कामन दिख रहा है, यहाँ क्या बचेगा, 2x + 33, यहाँ से माइनस क्या कामन दिख रहा है, 16, यह हो गया 2x + 33, यह बराबर 0। अब देखेंगे 2x + 3,
एक्स धन 35 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 16 एक ब्रैकेट में या बराबर 0। एक बार 2x धन 33 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 33 बाई 2 या क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक आया, ऋणात्मक वैल्यू लंबाई चौड़ाई की होती नहीं है। अब एक बार क्या लिखेंगे, या x माइनस 16 इक्वल टू 0 तो x बराबर 16 मीटर। यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 16 आया तो चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई आपको पता चल गया, चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर और लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबैया आपका 2x धन 1 तो यह हो जाएगा 2 × 16 और धन 1 अर्थात 32 और 1 33 मीटर, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष तथा यक्ष प्लस 1 है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना वो भी क्रम मागत। अब यह देखेंगे क्रम मागत, क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे क्रम से आए, जैसे मान लीजिए अगर 9 हो तो उसके बाद 10 आए, 1 हो तो उसके बाद 2 आए, 5 हो तो उसके बाद 6 आए, ये क्रम से है। तो अगर हम x मान लें और x प्लस 1 मान लें तो x की वैल्यू कोई भी रखें, जैसे मान लीजिए x का मान 9 मान रखते हैं तो 9 में 1 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, या 10 हो जाएगा तो 9 और 10 हो सकता है। तो इस तरह हम ऐसी संख्या मानेंगे ताकि मान रखने पर क्रमागत संख्या आए। अब देखें कंडीशन क्या कह रहा है, इसका शर्त यानी प्रश्नानुसार कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, हमने क्या मान लिया x और x प्लस 1 मान लिया तो x गुणे क्या हो जाएगा x प्लस 1 और यह कितना है 306। अब इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इसको इधर बराबर 306, इसको इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये तो आपका समीकरण बन गया। अब देखें समीकरण जब बन गया तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाकर आपका 1 आए। अब 306 है, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, फिर दो से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 पाँचे 15, 3 एक 3। अब देखें कितना हो जाएगा, ये 51 है, 51 किसके पारा में आता है, अगर 3 से काट दें तो कट जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचा 3, 7 21, फिर किससे कटेगा 17 से कटेगा। अब इन्हीं में ऐसा फैक्टर बनाएं ताकि घटा कर हमें 1 लाना है, 3 त्रिक का 9 दुना 18, 18 में से 17 को घटा देंगे तो काम बन जाएगा, यानी x स्क्वायर धन 18 माइनस 17 इंटू x माइनस 306 बराबर 0। यानी हमारे कहने का मतलब है 3 त्रिक का 9 दुना 18, 18 में से 17 घटा दें तो यहाँ ऋण चिन्ह है तो घटाकर x का गुणांक 1 है यही लाना है, और यह देखना है 18 और 17 में गुणा करें तो 306 आ जाएगा। अब देखें इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर धन 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 हो गया
यहाँ से 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 18 हो गया बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में x प्लस 18 हो गया, एक क्वेश्चन में x माइनस 17 हो गया या बराबर 0। एक बार x प्लस 18 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर माइनस 18 या आ गया, या एक बार हम क्या लेंगे x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 हो गया। तो क्रमागत संख्या अगर लिखेंगे या अमान्य कर देंगे, इसलिए अमान्य कर देंगे कि हमें धनात्मक कह रहा है और ये क्या है ऋणात्मक, तो क्रमागत संख्या कौन सा हो जाएगा, एक तो हो गया 17, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 17 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 17 और 18 जिनका गुणनफल हम करेंगे तो 306 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन एक लड़का है और उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, यानी यहाँ माँ और यहाँ रोहन। तो रोहन की माँ किससे बड़ी है, रोहन से। अगर रोहन की उम्र हमें पता चल जाए तो इनकी उम्र 26 वर्ष अधिक होंगी किससे, रोहन से। अगर रोहन का उम्र हम x मान रहे हैं तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है तो x धन क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यही मानना है। साफ करेंगे, माना रोहन की आई x वर्ष, तो रोहन की माँ की आय, तो रोहन की माँ की आय 26 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, उनकी आय वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आय, रोहन की आय, यानी अगर आप इस समय मान लें 10 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, यानी इस समय आप 10 के हैं तो 3 वर्ष बाद यानी 10 आधन 3 करेंगे, उसी तरह रोहन का वर्तमान आय कितना है x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितना हो जाएगा x धन 3 हो जाएगा। अब देखें 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आय भी निकालेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आय, यहाँ x आधन 26 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x धन 39। अब देखें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है इनका गुणनफल, गुणनफल करेंगे तो x धन 3 अगुणे x धन 29 और यह है 360। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका समीकरण बन जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसका करेंगे तो प्लस 29 x हो जाएगा प्लस 3 x और यहाँ धन 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, इसको इधर करेंगे तो माइनस 360 बराबर 0, यह हो गया x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 3 12 को 2 हासिल 1 या 2 1 3 32 x, यह घटाएंगे तो माइनस 10 में से 7 गया 3 यहाँ बचा आपका 5 तो 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 2, यह बराबर हो गया 0। आपका द्विघात समीकरण तो यहाँ से यह बन गया,
अब इसमें हम क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान आय निकालेंगे। कैसे, 273 का फैक्टर करेंगे, घटा के 32 लाना है। अब देखें यहाँ 273 का फैक्टर करेंगे, घटा के 32 लाएंगे तो देखेंगे कितने से कटेगा, 3 से 3 नवा 27, 3 एक कम 3, एक 3 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा एक बार। अब देखें 13 3 39 में से 7 घटा दें कितना आएगा, 32 आएगा। तो आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस कितना में से 39 में से 7 घटाएंगे, 39 माइनस 7 इंटू x और फिर माइनस 273 बराबर 0। क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया। पहले पद में से बच्चों क्या कामन दिख रहा है, x कामन दिख रहा है, तो x कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 39, यहाँ से 7 कामन ले लेंगे तो x प्लस 39 यह बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस 39 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 7 एक ब्रैकेट में यह बराबर 0। अब एक बार x प्लस 39 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर माइनस 39 यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि y ऋणात्मक नहीं होती। या x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, 7 वर्ष। यानी लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, 7 वर्ष है। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखें कि 400 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है, लिखेंगे चूंकि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 480 है, अब बटे समय क्या है, चाल क्या है, x है, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो रेलगाड़ी की नई चाल कितना हो जाएगा, x में से 8 घटा देंगे, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यह भी उसी दूरी को तय करती है, लिखेंगे चूंकि 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में
रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, अब रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना होगा, दूरी 480 है और चाल कितना है x माइनस 8 है। अब देखें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि अगर उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती, यानी अब यह कितना ले रहा है, 3 घंटे का अधिक समय ले रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 बराबर, पहले का समय कितना था 480 बटे x, इससे यह 3 घंटा अधिक समय लेता। अब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 हो गया। ऊपर से 480 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर कितना बचेगा, 3। अब देखें इसका यहां गुणा कर देंगे, 480 हो गया, यह हो गया x माइनस x प्लस 8, अब बटे हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, यह बराबर हो गया 3। x से x कट गया, यहाँ हो गया 480 अगुणे 8, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे x स्क्वायर माइनस 8x। 3 से इसको काट देंगे, 3 एक कम 3 एक बचा, 3 छः 18 160 हो गया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और यह बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे 0, 8 छक्के 48 को 8 हासिल 4, 8 करने 8 4 12, यानी 1280 हो गया। तो यह x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यह जो आया आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल प्राप्त हो जाएगी। अब देखें कितना 1280 है, 1280 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना में डिवाइड होगा, पहले दो से काटेंगे, दो छक्के 12, दो चौके 8, फिर दो से काटेंगे, यह हो जाएगा 2 3 6 और 2 2 4 0, फिर दो से काटेंगे 16, फिर दो से काटेंगे 80, फिर दो से काटेंगे 40, अब देखें फिर दो से काटेंगे कितना हो गया 20, फिर दो से काटेंगे कितना हो गया 10, फिर दो से काटेंगे कितना हो गया 5, फिर दो से पाँच से काटेंगे कितना हो गया 5 × 10 × 20 × 40, यहाँ तक हो गया आपका 40, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी 40 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा 8। देखिए 1280 है, 40 में से आप क्या घटाएंगे 32 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 40 में 32 का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा। इसको हम हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इंटू x माइनस 1280 बराबर क्या हो गया 0, तो x स्क्वायर माइनस 40x आधन 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो गया, यहाँ से धन 32 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, तो x माइनस 40 एक ब्रैकेट में और x प्लस 32 एक ब्रैकेट में, यह बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 40, या x प्लस 32 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर हो गया माइनस 32। इसको अमान्य कर देंगे, क्यों अमान्य कर देंगे, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होता। तो रेलगाड़ी की चाल आपको मिल गया
रेलगाड़ी की चाल कितना होगी समान चाल? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली 4.1 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।